नमस्कार, मैं आपके साथ मनीषा और आप देख रहे हैं दा उरई न्यूज। उरई जालौन भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार अक्टूबर 2023 से ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार व जन सहभागिता के तहत मतदाता जागरूकता अभियान आज टाउन हॉल में 51,000 मतदीप जलाकर जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज मतदीप जलाकर सभी मतदाता को जागरूक किया गया। अधिकारी कर्मचारी और जनपद वासियों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एक मतदीप जलाकर लोगों को प्रेरित किया। वही एक मतदीप राष्ट्र निर्माण के नाम है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए। मतदान भविष्य का विधाता होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। जन जन को जगाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। लोकतंत्र का है आधार वोट, ना हो कोई भी कार्य। लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी है, जिम्मेदारी। वोट हमारा है, अधिकार नहीं करे इसको बेकार। वोट डालने जाना है, जालौन ने मतदान बढ़ाना है। ऐसे स्लोगन के साथ मतदीप जलाकर मतदाताओं को किया जागरूक। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनपद बढ़ चढ़कर शत प्रतिशत मतदान कर रिकॉर्ड कायम करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। स्वीप की एक्टिविटी चलाई जा रही है, इसमें मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, वो अपना नाम जो है मतदाता सूची में शामिल करा लें, देख लें, और जो इलेक्टोरल निर्देशक क्लब है उसको सशक्त किया जा रहा है। इसी के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन्हीं में से आज एक कार्यक्रम है मतदीप जला करके लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और जागरूक करना, उनको कराना। जनपद में बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। कितने दीप जलाए गए आज? यहाँ 51,000 तो यहाँ टाउन हॉल क्लब पे है। इसके अलावा सभी तहसील हेडक्वार्टर्स पर जो है प्रमुख उन जगहों पर भी 11,000 दीप जलाए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 1,00,000 से 1,000 दीप जनपद पुरई में मतदाताओं को जागृत करने के लिए, चूँकि यहाँ मतदान प्रतिशत स्टेट से थोड़ा सा कम है, इस लोग हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर पहल है जिला प्रशासन द्वारा। हमारे आदरणीय पांडे सर जो हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर पहल रखी, दीप उत्सव। दीप उत्सव का मतलब है हर व्यक्ति एक दीप दान करेगा और अपना मतदान करेगा। ऐसी पहल के साथ ये हमारी पहली पहल है जो दीप दान करके मतदान का संकल्प कर रही है। आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के संदर्भ में जो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे, उसके क्रम में आज ये मतदाताओं का जागरूकता अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। ऐसा ही अभियान हमारे जनपद की प्रत्येक तहसील में, जनपद जालौन की सभी तहसीलों में आज हो रहा है, और हमारा प्रयास है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान करें और पिछली बार मतदान से हम कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हमारा प्रतिशत जाए। और कौन कौन से प्रोग्राम करेंगे? आज के आज जो हमारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम है, इसमें 51,000 दीप हमने जलाने का लक्ष्य रखा था, और कट कर दो, कट कर दो।